दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आज दिव्या के विस्तुन दकाधिपति के बारे में। दोस्तों, हम इसके बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे, इसके प्राइस के बारे में हम जानेंगे, इसके बेनिफिट्स के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि हमको कहाँ पर जो है इजीली मिल जाएगा। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, यह हमारे पास दिव्या का यानी कि पतंजलि का विस्तुन दकाधिपति है। हम इसके बेनिफिट्स के बारे में, इसके यूजेज के बारे में, इंग्रेडिएंट्स के बारे में, साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में और प्राइस ETC के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बने रहिए आप मेरे साथ इस वीडियो में। दोस्तों, हम इसके प्राइस के बारे में बात करें तो वह 37 रुपये में आपको मिल जाता है। यह 37 रुपये इसकी प्राइस है। और इसकी जो टैबलेट्स के बारे में बात करें कि कितने जो है टैबलेट्स हैं इसमें, तो इसमें आपको मिलेंगे 80 टैबलेट। 80 टैबलेट की पैकिंग में आती हैं। और एक जो टैबलेट का जो पावर होता है वो 250 mg के पावर में आती हैं। अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं कि यह आपको मिलेगी कहाँ से। तो दोस्तों, किसी भी पतंजलि के स्टोर से आप इसे परचेज कर सकते हैं या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया वहाँ से भी आप परचेज कर सकते हैं। यदि आप फॉरेन में रहते हैं और यह मेडिसिन मंगवाना चाहते हैं या कोई मित्र दोस्त रिश्तेदार फॉरेन में रहता है उस तक यह मेडिसिन आप भिजवाना चाहते हैं तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इसके इंग्रेडिएंट के बारे में कि कौन कौन से जो इंग्रेडिएंट हैं, कौन कौन से जो मेडिसिन्स हैं जिसका इस्तेमाल करके इस अद्भुत मेडिसिन को बनाया गया है। तो दोस्तों, इसके इंग्रेडिएंट में आता है शुद्ध कुचला, सुपारी, काली मिर्च, इमली बीज। इस प्रकार की जो जो इंग्रेडिएंट हैं इसको मिलाकर इस अद्भुत जो है मेडिसिन को बनाया गया है। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इसके बेनिफिट के बारे में। तो यह नर्व पेन की समस्या में बहुत ही कारगर है। यदि आपको जो है नर्व की समस्या है या कमर में प्रॉब्लम रहती है, कमर के नीचे हमेशा प्रॉब्लम रहती है, तो यह दवा आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। इसके अलावा यदि जोड़ों की समस्या हो, जोड़ों में पेन होता है, स्पाइन में पेन है, तो भी यह दवा बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। यदि हिप्स के नीचे यदि आपको आपको कहीं भी पेन रहता है या सटिका जो पेन की समस्या है उसमें भी यह बहुत ही ज़्यादा कारगर है। यदि आपको पार्किंसन की समस्या है या पैरालिसिस की समस्या है उसमें भी यह मेडिसिन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। इसके अलावा मसल में जो दर्द होता है या आपको जो है पेट में दर्द की समस्या है इसमें भी यह दिव्या का विस्तुन दकाधिपति जो है बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। दोस्तों, अगर शॉर्ट में बात करूं तो यह पूरे नर्वस सिस्टम को बूस्ट करने का काम करता है। यह पूरे जो है नर्वस सिस्टम के लिए यह मेडिसिन उपयोग में लाई जाती है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे जो है करें। तो इसका इस्तेमाल करने के लिए आप एक से दो टैबलेट जो है आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दिन में 2 बार आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। खाना खाने के आधे घंटा बाद आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टैबलेट या 2 टैबलेट डेली आप ले सकते हैं दिन में 2 बार। यदि आपको कम समस्या है तो 1 टैबलेट ले लीजिए। यदि ज़्यादा समस्या है आपको तो 2-2 टैबलेट भी आप ले सकते हैं, या आपको जैसा आपका डॉक्टर सलाह देता है उसके अकॉर्डिंग भी आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं। तो इसको मेल फीमेल कोई भी ले सकता है, लेकिन अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, कोई प्रेग्नेंट महिला है और बच्चों को दूध पिलाने वाली कोई महिला है, या पहले से किसी का कोई सीरियस मेडिसिन का कोई सीरियस जो है बीमारी है उसका कोई मेडिसिन चल रहा हो, दिल की बीमारी हो या हार्ट की कोई बीमारी हो, तो डॉक्टर की सलाह से ही जो है इस मेडिसिन का सेवन करें। बिना डॉक्टर की सलाह से इस कंडीशन में आप मेडिसिन का प्रयोग ना करें, क्योंकि अननेसेसरी जो है दवाई लेना प्रेगनेंसी में या फिर कोई सीरियस बीमारी चल रही है उसमें ज़रूरी नहीं होता है। तो
तो डॉक्टर से सलाह ले लें, फिर जो है इस मेडिसिन को जो है उपयोग में लाएं। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं दिव्या विष्णुपती के साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो दोस्तों यह कंप्लीट एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है, हर्बल मेडिसिन है, जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट अभी तक देखने को नहीं मिला है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। यदि आपको फिर भी कोई साइड इफ़ेक्ट आपको महसूस होता है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और मेडिसिन को बंद कर दें, ताकि डॉक्टर आपकी कंडीशन को देखते हुए जो है आपको दूसरी मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकें या आपको जो है कंप्लीट जो है गाइड प्रदान करें, ताकि आपका हेल्थ जो है। उम्मीद करते हैं आपको सारा इन्फॉर्मेशन जो है दिव्या विष्णुपती के बारे में मिल गया होगा, और अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। इसी के साथ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।